गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू। जैसा कि कल मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको द हिंदू का एडिटोरियल का जो आपका एनालिसिस है वो आज 4 तारीख को 9 बजे से पहले पहले आपके सामने लाने की कोशिश करूँगा। आज मुझे पेपर थोड़ा लेट मिला ही और अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 9 बजे, क्योंकि इसको आपको रिकॉर्ड भी मैंने करना है, फिर उसको अपलोड भी करना है, तो थोड़ा टाइम लगता है। तो चलिए, ये 4 तारीख का एक एडिटोरियल है जिसको हम साथ में मिलके पढ़ेंगे, ठीक है। इसका टाइटल है लेसन्स फॉर इंडिया, इंडिया के लिए सबक, ठीक है। और इसकी सब हेडिंग है द इटालियंस मरीन्स। मरीन्स का तो होता है जो इनके नाविक इटालियन के। द इटालियन मरीन्स केस मीट्स विद अ डिसअपॉइंटिंग एंड। इनका एक केस हुआ था तो उसका एक जो अंत था बहुत ही डिसअपॉइंटिंग अंत हुआ, निराशाजनक अंत हुआ, एज इंडिया लूजेस राइट टू ट्रायल, क्योंकि इसमें भारत को उनके ऊपर मुकदमा चलाने का जो अधिकार था वो भारत ने खो दिया, ठीक है। मैं इसके एक बैकग्राउंड बता दूं आपको, पुराना केस है ये 2012 का, और उसमें घटना में क्या हुआ कि केरला के कुछ जो है मछुआरे, वो कौन सा समुद्र लगेगा मेरे ख्याल से वो इंडियन ओशन ही लगेगा शायद, तो वहाँ पर आपने मछली मार लेते हैं, तो वहाँ पर कई देशों का वहाँ पर एक उसमें ज्यूरिडिक्शन है, वो अधिकार क्षेत्र है, तो उसमें इटालियंस का भी है, ठीक है। तो एक्चुअली वो कॉन्टिग्यूस बॉर्डर है। अब मैं समझाऊंगा अभी आपको एक कॉन्टिग्यूस क्या होता है, ठीक है ना। जैसे हमारा बहुत सारे देशों के साथ में कॉन्टिग्यूस बॉर्डर है, इसका मतलब क्या हो गया, हमारी सीमाएँ आपस में लगती हैं। वी हैव ए कॉन्टिग्यूस बॉर्डर विद सो मेनी कंट्रीज, लेकिन रशिया के साथ में नहीं है, ठीक है ना। तो जिन जिन देशों के साथ में हमारा बॉर्डर लगता है तो बॉर्डर कहलाता है कॉन्टिग्यूस। समझाऊंगा आपको, मैं मोटा मोटा थोड़ा बैकग्राउंड बता दूं ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है ना। तो वहाँ पर इटालियंस का भी था, दूसरे कंट्रीज का था, भारत का भी था। तो हमारे जो केरला के फिशरमैन थे ये अपने उसमें कर रहे थे, मछली मार रहे थे, और शायद कुछ हुआ होगा तो इटालियन जो उनके मरीन्स थे उनकी अपनी वो रही होगी, है ना। तो उन्होंने उनको रोका टोका, जो भी हो रहा होगा उनको लगा कि शायद पता नहीं ये कोई आपका वो है, पायरेट्स हैं, पायरेट समझते हो ना आपको, समुद्री डाकू हैं, और उन्होंने गोली मार दी उनको। गोली मारने के बाद में तो भारतीय जो अपनी कोस्ट गार्ड थी शायद आपका, तो वो उनको अपने एरिया में लेके आ गए, मतलब भारत के समुद्र में उनको लेके आ गए और गिरफ्तार कर दिया, ठीक है। यहाँ से पंगा शुरू हुआ, ठीक है। तो ये पानी कहानी पूरी उसी की है, फिर किस तरह से ये जो है मामला PCA में गया, ठीक है ना, आपका परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में, कि इसका मुकदमा कौन चलाएगा, कौन से रूल लगेंगे नहीं लगेंगे, काफ़ी हंगामा हुआ। लेकिन भारत को उम्मीद यही थी कि इटालियन नाविक के खिलाफ हमारे देश में मुकदमा चलेगा और हम अपने मारे गए नाविकों को न्याय देने का प्रयास करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो ये टॉपिक उसी के बारे में बैकग्राउंड और पता लग गया, और इसमें कई बहुत सारी नॉलेज की चीज़ें हैं, जैसे PCA है, कल आपके एग्जाम में आ सकता है, PCA का फुल फॉर्म क्या है, द परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन का मीनिंग क्या होता है अभी बता दो अभी आपको, ठीक है ना। तो चलिए पढ़ते हैं इसको, आपको मेरे को उम्मीद है कि आपको हेडलाइन समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। तो चलिए पढ़ मेरे साथ में इसको पढ़िए। द लॉन्ग क्वेस्ट फॉर जस्टिस फॉर द टू केरला फिशरमैन शॉट डेड बाई इटालियन मरीन्स फ्रॉम एंडिका लेक्सी अबाउट 20.5 नॉटिकल माइल्स ऑफ इंडिया कोस्ट इन फरवरी 2012 हैज एंडेड इन डिसअपॉइंटमेंट। बड़ा लंबा सेंटेंस है, और ये जो लंबे लंबे सेंटेंस होते हैं इनको आप पढ़ के जब समझते हैं तभी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में हमारे को समझ में आता है, नहीं तो समझ आता नहीं है। वो कह रहे हैं क्वेस्ट का मतलब खोज होता है, किसी चीज़ को पाने का प्रयास होता है, उसको क्वेस्ट कहते हैं, इसी से क्वेश्चन बना हुआ है, क्वेस्ट से क्वेस्ट समझ आ गया। एक सेकंड मैं आपको क्वेस्ट का मीनिंग बता देता हूँ आपको, एक सेकंड ना, और इसका फ्रेज बताता हूँ। कई कोचिंग संस्थाओं में लिखा होता है योर क्वेस्ट फॉर अ गुड इंस्टीट्यूट एंड सेयर, जिसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो खोज थी कि मैं अच्छी इंस्टीट्यूट हूँ, वहाँ पर यहाँ पर एंड होता है क्योंकि हमारे अच्छी है, हमारी इंस्टीट्यूट अच्छी है, क्वेस्ट खोज सर्च ना,
और इसका मीनिंग प्रयास भी होता है, अटेम्प्ट भी होता है, ये भी आपको आना चाहिए। और इसका एक बहुत शानदार फ्रेज है, इनक्वेस्ट ऑफ नॉलेज मनी ल्यूकर, इसे फ्रेज बनाओ आप। इसका अर्थ होता है पैसे की खोज में, इनक्वेस्ट ऑफ ल्यूकर ही वेंट टू साउथ अफ्रीका। तो क्वेस्ट मतलब खोज होता है, इनक्वेस्ट ऑफ नॉलेज ही वेंट टू द हिमालयाज। ठीक है, आप ऐसे बोलोगे आप, और इसको सेंटेंस के शुरुआत में और बाद में भी लगा सकते हैं। ल्यूकर का अर्थ होता है दौलत, वेल्थ। इफ आई से ही वेंट टू साउथ अफ्रीका, ही वेंट टू साउथ अफ्रीका इन क्वेस्ट ऑफ ल्यूकर, तो वो दौलत की खोज में साउथ अफ्रीका गया। ठीक है ना, और इसलिए गया कि साउथ अफ्रीका को अभी की बात नहीं है, पुराने जमाने में उसको एल्डोराडो कहा जाता था। एल्डोराडो कहा जाता है गोल्ड माइन। अब इसका जो मीनिंग है वो फिगरेटिव हो गया है, कि लिटिल मीनिंग नहीं रहा आपका। तो बहुत सारे भारत के लोग भी साउथ अफ्रीका गए और उन्होंने खूब सारा पैसा कमाया। तो क्वेस्ट मेरे ख्याल से आ गया। ठीक है, और आपको अगर नॉलेज की खोज में आप हो, ठीक है, तो आप हिमालय जाओ, वहाँ की कंदराओं में आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे आज भी करते हुए। कुछ दिन पहले आया था एक बाबा, वहाँ रहते हैं, वीडियो भी आया था, आपने भी देखा होगा शायद, सच झूठ पता लगता नहीं भैया, दुनिया भर की चीज़ें होती हैं। तो उसमें एक बाबा को बताया गया जो नंग धड़ंग हैं, अपने बर्फ़ में रहते हैं, वो कितने साल के हैं किसी को पता नहीं है। कुछ फौजी लोगों ने उनसे बात करने की कोशिश की थी, वीडियो आया था छोटा सा एक। एनीवे, तो क्वेश्चन आपको समझ आ गया, लॉन्ग क्वेस्ट, और ये बहुत लंबी एक प्रयास था जस्टिस के लिए। किसके कौन किसके जस्टिस के लिए, जैसे मतलब न्याय के लिए। तो जो दो केरला के फिशरमैन थे जिनको इटालियंस ने मारा था, ठीक है ना, एक्चुअली ये जो है ना आपका ये वाला पोर्शन, अगर मैं इसको हटा दूं तो ये अभी सेंटेंस छोटा हो गया, तो बीच के जो थे मैंने जो अभी अपना हटाए हैं वो सारे सारे एक्सप्लेनेटरी हैं। ठीक है ना, कि ये जस्टिस क्या है क्या नहीं है इसके बारे में जानकारी है। अदरवाइज सेंटेंस तो ये द लॉन्ग क्वेस्ट फॉर जस्टिस हैज एंडेड इन डिसअपॉइंटमेंट। इसका मतलब क्या हुआ, जो जस्टिस का एक लंबा प्रयास था, जस्टिस को प्राप्त करने की चेष्टा थी, ठीक है ना आपका, उसका बड़ा निराशाजनक अंत हुआ। ये जो बीच में जो बच्चे हैं, ये मैंने जो हटाया था, ये क्या है, ये एक्सप्लेनेटरी हैं, ध्यान रखना आपको। ठीक है, जस्टिस किसके लिए, तो इससे लंबा होता है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, पढ़िए समझिए। जस्टिस किसके लिए, फॉर द टू केरला फिशरमैन, उन दो केरला फिशरमैन के लिए। फिर उसका कौन से फिशरमैन, तो उसको आगे एक्सप्लेन किया गया है, शॉट डेड बाई इटालियन मरीन्स, जिनको इटालियन मरीन्स ने शॉट डेड कर दिया, उनको गोली मार के मार दिया। ठीक है, कहाँ किया, तो वो जगह दे रखी है, फ्रॉम द एनरिका लेक्सी अबाउट 20.5 नॉटिकल माइल्स ऑफ इंडियाज कोस्ट, कब, इन फरवरी 2012। तो आपको समझा रहा हूँ, तो हमको जब ये पढ़ेंगे ना तभी समझ में आएगा, नहीं तो इसमें फंस के रह जाएंगे। इतना लंबा सेंटेंस है, आई होप कि आपको सबको समझ आ गया। ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है इसको अगर मैं उड़ा देता हूँ तो एक्चुअल सेंटेंस ये है, द लॉन्ग क्वेस्ट फॉर जस्टिस हैज एंडेड इन डिसअपॉइंटमेंट। ठीक है, जो उसका प्रयास था जस्टिस का, ठीक है, जो जस्टिस को प्राप्त करने की चेष्टा थी वो एक निराशाजनक निराशा में उसका अंत हुआ। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया है ना, तो लंबे सेंटेंस आपने डरना नहीं है। ठीक है, और ये जगह का नाम है एनरिका लेक्सी, और जो बता रखा है कि ये इंडियन कोस्ट से तकरीबन 20.5 जो है नॉटिकल माइल्स किलोमीटर का लगभग आधा होता है, लगभग आधा, आधे थोड़ा सा ज़्यादा। ठीक है ना, उसको नॉटिकल माइल्स कहते हैं, मेरे ख्याल से 0.59 समथिंग है। 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू, या 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 0.539, मुझे अच्छी एग्जैक्ट ध्यान नहीं है। ठीक है, अब तो समय आ गया, और एंड इन डिसअपॉइंटमेंट एक आपका फ्रेज है, इसको आप लिखिए आप, चलो ये आपने सीखने, इनके सेंटेंस बनाने सीखने। अगर मुझे कहना हो कि उसका एग्जाम पास करने का जो प्रयास था वो निराशाजनक ढंग में उसका अंत हुआ, तो मैं क्या कहूँगा, हिज अटेम्प्ट टू पास द टेस्ट, जनाब क्या था इसमें आपका, एंडेड इन डिसअपॉइंटमेंट हो गया सेंटेंस। क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को क्लियर नहीं लिखा जाता, एग्जाम में भी नहीं आता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैराग्राफ में नहीं आता है
क्लोज टेस्ट में नहीं आता है, तो इसका सिंपल मीनिंग ये हो गया कि वो एग्ज़ाम पास नहीं कर पाया। तो उसी बात को कहने के कितने तरीके हो सकते, देखो, इज अटेम्प्ट टू पास द टेस्ट एंडेड इन डिसअपॉइंटमेंट, ठीक है ना, इज अटेम्प्ट टू मैरी दैट गर्ल एंडेड इन डिसअपॉइंटमेंट। तो इफ एनी थिंग एंड्स इन डिसअपॉइंटमेंट, तो उसका जो अंत है, एंड का मतलब अंत है, तो वो निराशाजनक ढंग में होता है, तो मतलब आप सफल नहीं होते। सिंपल सिंपल सी बात यह है। अब मेरे को उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है, आगे चलिए। एन इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेशन का अर्थ होता है दो लोग जो किसी झगड़े में फंसे हुए हों उनका बीच बचाव करना, ठीक है। एन इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट हैज रूल्ड आउट, और ये इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंतर्गत आता है, जिसका बाद में दे रखा है पीसी, दे रखा ना आपका परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन वर्ड का अर्थ होता है कि बीच बचाव करना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड आर्बिट्रेशन। और ये वर्ड बना आर्बिट्रेट से, कितनी बार अमेरिका कहता है कि, ठीक है ना आपका, कि वी आर रेडी टू आर्बिट्रेट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। अब जो चाइना के साथ में हुआ तो फिर कहा उसने, हमारे ट्रंप साहब ने, कि आई एम रेडी टू आर्बिट्रेट बिटवीन इंडिया एंड, आर्बिट्रेट का अर्थ होता है कि बीच में बीच बचाव करना, ताकि दोनों पक्ष किसी समझौता तक पहुंच सकें आपका, ठीक है। इसका मीनिंग होता है इंटरवीन, ठीक है, दैट्स राइट, ये मीनिंग होता है। और इंटरवीन और इंटरफेरेंस में फ़र्क है, यू इंटरवीन सो दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्व। एक वर्ड है आपका इंटरफेयर, हाँ, उसको कन्फ्यूज मत देना आपका, ये तो बीच में टांग अड़ाना हो गया। आप अगर आप कहोगे मेरे मामले में टांग मत अड़ा, प्लीज़ डू नॉट इंटरफेयर इन माई वर्क या इन माई पर्सनल अफेयर्स, ये ध्यान रखना। इसमें कभी बच्चों का कन्फ्यूजन होता है, प्लीज भी लगा दो आगे, प्लीज डोंट इंटरफेयर इन माई अफेयर्स, तो मेरे मामलों में टांग मत अड़ाओ, ठीक है ना। दो बच्चे लड़ रहे थे, आई इंटरवीन एंड सेपरेटेड देम, तो मैंने उनके बीच में बीच बचाव किया। तो आर्बिट्रेट करते बीच बचाव करना, ताकि दोनों पक्ष किसी सहमति तक पहुंच सकें, ठीक है। और नाउन हो गया आर्बिट्रेशन, ठीक है ना। तो इंडिया क्या कहता है, वी डू नॉट नीड अ थर्ड पार्टी आर्बिट्रेशन, हम अपने आप कर लेंगे एनीवे और रूल का अर्थ क्या होता है कि ऐसी व्यवस्था दी, मतलब उन्होंने ऐसा निर्णय दिया, ठीक है। क्या निर्णय दिया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने, कि इंडिया डज नॉट हैव ज्यूरिडिक्शन टू ट्राई द मरीन्स। अब समझ आ गया आपको कि इंडिया के पास में ये अधिकार क्षेत्र नहीं है, ज्यूरिडिक्शन का अर्थ होता है अधिकार क्षेत्र या रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, सबको आना चाहिए। ज्यूरिडिक्शन मीन्स एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कहते हैं इसको, ठीक है, और अधिकार भी कहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको स्पेलिंग ठीक कर लेना, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। और इसका मतलब पावर भी होता है, ऐसे इन शब्दों को समझने की चेष्टा करो आप लोग, हाँ। जैसे एक थानेदार ने कहा, एक थानेदार का दोस्त, उसने कहा यार वहाँ एक आदमी ने ना ये गड़बड़ किया है, तो वहाँ उसको आप कुछ करो। तो उसने थानेदार ने बोला कि आई हैव नो ज्यूरिडिक्शन, ठीक है ना आपका, ओवर दैट एरिया, तो उस क्षेत्र में मेरा कोई अधिकार नहीं है, पावर नहीं मेरे पास में, ये मेरे एरिया रिस्पॉन्सिबिलिटी में नहीं आता है। इसको अपन कहते हैं हिंदी में, सॉरी कोलोकेशन में, एरिया ऑफ ज्यूरिडिक्शन। ये सब बोला करो बच्चों आप, तो आपको आ जाएगा। इसका अर्थ हो गया अधिकार क्षेत्र, दिस विलेज डज नॉट फॉल इन माई एरिया ऑफ ज्यूरिडिक्शन, मेरा ज्यूरिडिक्शन यहीं तक है, अधिकार क्षेत्र मेरा यहाँ तक है। तो मुझे कहना हो ये गाँव मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर, क्या कहूँगा, दिस विलेज फॉल्स बियॉन्ड माई एरिया ऑफ ज्यूरिडिक्शन, ये सब बोलना आना चाहिए आपको, ठीक है, कि ये गाँव मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है, ठीक है। तो आप समझो इसको, तो उन्होंने क्या रूलिंग दी, क्या उन्होंने व्यवस्था दी, व्यवस्था मतलब कानूनी व्यवस्था दी, कि इंडिया के पास में इन मरीन्स को ट्राई करने का तो इनके खिलाफ मुकदमा करने का अधिकार नहीं है, ज्यूरिडिक्शन नहीं है, अधिकार क्षेत्र से वो बाहर हैं, ठीक है। और इनके बारे में फिर जानकारी दी है, मरीन्स हु, हाँ, इट हेल्ड, ये आना चाहिए आपको, इट हेल्ड। तो ये जो भाषा है आपके न्यूज़पेपर की या नॉवल की डिफरेंट होती है न्यूज़पेपर की, ये कई बार आपको ऐसे कैसे मिलता है उसमें रीडिंग कॉम्स में पैराग्राफ में।
अभी जो इट है ये आपके इंटरनेशनल कोर्ट के लिए लिखा गया है, आर्बिट्रेशन कोर्ट के लिए। और हेल्ड का मतलब होता है ऐसी राय रखना, ध्यान रखना, पहले बता रहा हूँ। ये दो शब्द कितने इंपॉर्टेंट, देखो आपका इट है, ये होल्ड का पास्ट टेंस है, हेल्ड, होल्ड का मतलब तो पकड़ना होता है, ठीक है, लेकिन होल्ड का मतलब किसी विचारों को रखना भी होता है। इफ आई से आई होल्ड द व्यूज, तो मेरे विचार पकड़े थोड़ी हैं, इसका तो मेरे ऐसे विचार हैं, आई होल्ड द व्यूज दैट ही इज इनोसेंट, तो इसका मतलब क्या, मेरे विचार में वो बिल्कुल बेकसूर है। इट हेल्ड मीन्स उन्होंने ऐसा माना, ठीक है, क्या माना, वर इंटाइटल्ड टू इम्यूनिटी, वो इंटाइटल्ड का तो हकदार होना, इम्यूनिटी का अर्थ होता है फ्रीडम फ्रॉम पनिशमेंट, ये सब वर्ड्स आने चाहिए आपको। इम्यूनिटी का अर्थ होता है, कई अर्थ हो इम्यूनिटी के, आजकल कोविड का टाइम है तो उन कहते हैं कि हमारी इम्यूनिटी हमको मेंटेन करके रखनी है, तो एक संदर्भ में इम्यूनिटी का अर्थ रेसिस्टेंस टू डिजीज भी हो जाएगा ना बच्चों, रेसिस्टेंस टू डिजीजेज, जिसको रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति कहते हैं, अपन कहते हैं इम्यूनिटी पावर बढ़ाओ। तो शब्दों के बहुत सारे प्रयोग होते हैं, ये तो हमसे गलती हो जाती है कि हम सारे शब्दों को ढंग से सीख नहीं पाते हैं, तो हमारी वोकैबुलरी अच्छी होती नहीं है। और इम्यूनिटी का अर्थ होता है, दूसरा अर्थ होता है फ्रीडम फ्रॉम पनिशमेंट और लीगल एक्शन, लीगल एक्शन या पनिशमेंट से फ्रीडम, आपको कोई लीगल एक्शन नहीं होगा। आई होप कि आप समझ पाए हो, ठीक है। और एक होती है डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी, अपने जो भी डिप्लोमेट्स होते हैं बाहर के देशों के अपने देश में, तो दे हैव सर्टेन डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी, उनको आप अरेस्ट नहीं कर सकते, यू कांट हैंडकफ देम, ठीक है ना। अगर कोई उनसे अपराध होता है, अगर समझो उनसे एक्सीडेंट हो गया या कुछ और हो गया, तो वी कैनॉट अरेस्ट देम, वी कैनॉट पुट देम बिहाइंड बार्स, बिकॉज दे हैव डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी। तो इनको एक कूटनीतिक सुरक्षा मिली हुई, इसमें इम्यूनिटी मिली तो आपका प्रोटेक्शन भी हो गया, यहाँ पर इसका मतलब हो गया डिप्लोमेटिक प्रोटेक्शन। इसका मतलब ये नहीं उनके खिलाफ एक्शन नहीं हो सकता, वो अलग बात है, ठीक है, उनके खिलाफ एक्शन हो सकता है, आप उसकी कंट्री को लिख के दो इन्होंने ये गलती की है, और इनको अपने देश आप वापस भेज दो उसको, ठीक है ना। तो उनको पर्सोना नॉन ग्रेटा डिक्लेयर किया जाता है, पर्सोना नॉन ग्रेटा, इंग्लिश के साथ में खूब सारा नॉलेज भी होना चाहिए। तो कोई भी डिप्लोमेट जो भारत में पोस्टेड है किसी बाहर की कंट्री का, तो उसको हम हैंडकफ नहीं कर सकते, वी कैनॉट हैंडकफ हिम, वी कैनॉट अरेस्ट हिम, बिकॉज ही हैज़ डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी, उसके पास में कूटनीतिक सुरक्षा है। पर इसका मतलब ये भी नहीं होता है कि उसके खिलाफ अपन एक्शन नहीं वैसे ले सकते हैं। ही इज डिक्लेयर पर्सोना नॉन ग्रेटा एंड देन ही इज आस्ट टू लीव द कंट्री। पर्सोना नॉट ग्रेटा का अर्थ होता है कि यू आर नॉट वेलकम इन आर कंट्री एनीमोर, ये इसका मीनिंग होता है, हमारी कंट्री में अब आपका स्वागत नहीं है क्योंकि आपने हमारा कानून तोड़ा है, तो आपके पास आप अपने देश में चले जाओ 24 आवर्स के अंदर अपने, और अगर केस संगीन है तो उसके देश में एक रिपोर्ट भेज दो, पर वो लोग उसके खिलाफ एक्शन लेंगे, हम उसके खिलाफ एक्शन नहीं लेते हैं, तो इसको कहते हैं डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी, दे इंजॉय डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी, ठीक है। वैसे ये लोग अच्छे होते हैं, बिल्कुल सिलेक्ट करके भेजे जाते हैं, लेकिन कभी कभी इस लोगों का एक्सीडेंट हो गया या किसी ने किसी कोई बदतमीजी कर दी आपका, तो वी कैन नॉट हैंडकफ हिम, वी कैन नॉट अरेस्ट हिम, ठीक है ना, आप ये ध्यान रखना, ठीक है। अब पाकिस्तान जो पकड़े उनको वापस भेज दिया, और ये तो किया, और क्या कर सकते हैं आप, उनके खिलाफ मुकदमा थोड़े चलाएंगे कि आप यहाँ पर जासूसी कर रहे थे। वैसे ये डिप्लोमेटिक मिशन जो हैं जासूसी के ही होते हैं सब देशों के, सबको पता है। एनीवे, ठीक है, आप समझ गए इम्यूनिटी आपका। इट हेल्ड मीन्स उनके ये विचार थे, उन्होंने ऐसा माना, एक्सेप्ट किया कि इनको मरीन्स को इम्यूनिटी का के हकदार थे, ठीक है। क्यों, कारण बताया, एज यहाँ पर क्या बता रहा है, एज आपका कारण बता रहा है, एज देवर एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ ए स्टेट, क्योंकि स्टेट के बिहाफ पे, बिहाफ का मतलब ये फ्रेज है ऑन बिहाफ ऑफ, ऑन बिहाफ ऑफ कर रहा की ओर से, ठीक है ना। जैसे आपको कह रहा हूँ मैं आपको, इफ आई से आई एम प्रेजेंट एट दिस मीटिंग ऑन बिहाफ ऑफ माई फादर, सब सीखना आपने, ठीक है, ठीक है। तो इस मीटिंग में मैं अपने पापा की ओर से आया हूँ,
ठीक है, पापा नहीं आ पाए इसलिए मैं आ गया ऑन बिहाफ ऑफ। तो इस सब इसको आपने ऐसा समझना है कि इंडिया के पास में ज्यूरिडिक्शन नहीं है उनको ट्राई करने का, उनके ऊपर मुकदमा चलाने का। ट्राई करने यहाँ पर आप कोशिश करना नहीं है, ठीक है, आपका ट्राई का मतलब मुकदमा चलाना उनके खिलाफ, ठीक है, उनको प्रोसिक्यूट करना। कभी कभी बच्चों अगर टू ट्राई के अगर ये ऐसा लिखा हुआ हो, ये फिल इन द ब्लैंक में हो, ठीक है, और ये टू इसके साथ ही लगा हुआ हो, बता रहा हूँ आपको, ठीक है, और ये फिलअप में भी कैसे काम आते हैं बता रहा हूँ। तो ए ऑप्शन में अगर प्रोसिक्यूट हो, बी ऑप्शन में, सारे ऑप्शन नहीं लिख रहा हूँ मैं, और बी ऑप्शन में ट्राई हो, अगर हमें ट्राई नहीं आएगा तो ट्राई बनेंगे नहीं इसमें अपने, लेकिन इसमें दोनों आ सकता है, आंसर हो जाएगा सी, प्रोसिक्यूट और ट्राई दोनों। आर गेटिंग माय पॉइंट? इसलिए पढ़ते समय इन सारी चीज़ों को आपने समझना है। आई होप कि आप समझ पाए। तो अब इसका अर्थ क्या हो जाए, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर दोनों आ सकते हैं, प्रोसिक्यूट भी और ट्राई भी। ट्राई का मतलब कोशिश करना भी होता है, बहुत सारे अर्थ हैं इसके ट्राई के, है ना आपका। तो ये अब ये भी हमने समझना है, आई होप कि मैं समझा पाया आपको, ठीक है। तो ट्राई का मतलब क्या होता है, ट्राई का मतलब प्रोसिक्यूट करना भी होता है, किसी के खिलाफ मुकदमा करना भी होता है। तो इंडिया के पास में अधिकार नहीं है इनको, इनके खिलाफ मुकदमा चलाने का। हु कौन? मरीन। इट हैड मीन्स कोर्ट ने ऐसा माना। देखो अगर भाषा ही समझ नहीं आई हमको, ये हु कौन है, इट कौन है, हेल्ड क्या है। हु इट हेल्ड वर इंटाइटल्ड टू इम्यूनिटी, क्योंकि वो इंटाइटल्ड का अर्थ होता है हकदार होना। इम्यूनिटी, इम्यूनिटी मतलब फ्रीडम फ्रॉम पनिशमेंट, ध्यान रखना, फ्रीडम फ्रॉम लीगल एक्शन से उनको इम्यूनिटी थी। ऐसा क्यों था? क्योंकि अपने लेवल पे काम नहीं कर रहे थे, वो किसी स्टेट के लिए काम कर रहे थे, यानी किसी देश के लिए काम कर रहे थे, ऑन बिहाफ ऑफ ए स्टेट दे वर एक्टिंग, ठीक है ना। तो युद्ध में अगर समझो हमारे भारत के सैनिक ने किसी को मार दिया, तो वो हमारे भारत के सैनिक खिलाफ थोड़ी आपका करेंगे, वो तो युद्ध था और भारत के सैनिक भारत के ओर से काम कर रहे थे। एनीवे, और ये फैसला किसने दिया? ये फैसला दिया पीसीए ने। अब मैं आपको कहता हूँ कि जब आप इसको ढंग से पढ़ते हो तो बहुत सारी चीज़ें सीखते हो आप। कल एग्जाम में आपके ये उसमें आ जाएगा, अब्रिविएशन में, द परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन को शॉर्ट फॉर्म है पीसीए, और ये कहाँ है? द हेग में। ये भी हमको आ गया, द हेग जो है आपका हॉलैंड का एक बहुत बड़ा शहर है, जहाँ पर आपको बताया कि आईसीजे के हेडक्वार्टर्स वहाँ पर है, ठीक है, द हेग। अब इसके आगे हेग के आगे द लगता है, ठीक है, आपने देखना है, याद करना है। और ये इसकी राजधानी नहीं है, ध्यान, हॉलैंड की, ये हॉलैंड का एक प्रमुख प्रोमिनेंट शहर है, अ प्रोमिनेंट सिटी, सिटी ऑफ हॉलैंड। और हॉलैंड का दूसरा नाम बच्चों द नेदरलैंड्स है, इनके आगे द लगाना है। इनकी राजधानी मेरे ख्याल से एम्स्टर्डम है, ठीक है। तो पढ़ने से इंग्लिश भी ठीक होती है और साथ में आपको बहुत सारा नॉलेज भी होता है। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आईसीजे का अर्थ हो गया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के हेडक्वार्टर्स हैं, है ना आपका, अरे यार, ठीक है, एम्स्टर्डम में, सॉरी द हेग में, हॉलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है, दैट्स राइट। ये क्या है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, एम्स्टर्डम क्या है, कैपिटल सिटी ऑफ हॉलैंड और या द नेदरलैंड्स, ठीक है, नेदर, और ये इसमें एस नहीं हटाना, एस लगा रहना है, नेदरलैंड नहीं कहना और नेदरलैंड्स भी नहीं कहना, पूरा नाम है द नेदरलैंड्स। इस कंट्री के दो दो नाम है, हॉलैंड भी और द नेदरलैंड्स भी। आई होप समझ आ गया। तो ये पीसीए क्या है, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। ये कोर्ट क्या करता है, दोनों देशों के बीच में कोई समस्या है तो उसको सुलझाने का प्रयास करता है, इसके लिए कोर्ट बनाया गया है। क्योंकि बहुत सारी जगह साझा काम होते हैं, समुद्र हैं, आकाश हैं, तो रूल तो बनेंगे। तो हेग ने क्या एडमिट किया, इन द हेग ने, सॉरी पीसीए ने क्या एडमिट किया, माना दैट बोथ इंडिया एंड इटली हैड कनकरेंट ज्यूरिसडिक्शन इन द मैटर। इस मामले में इंडिया और इटली के दोनों के अधिकार क्षेत्र, कनकरेंट मतलब एक साथ, कनकरेंट का तो होता है एक साथ, दोनों के हैं, समुद्र के अंदर कोई इसी एक का समुद्र नहीं है। जैसे चाइना, वहाँ साउथ चाइना सी में उसने हंगामा मचा रखा है ना आपका, तो साउथ चाइना सी में सभी देशों का जो उसके आज मुझे पता नहीं है लीगली, लेकिन बहुत सारे
कंट्रीज का वहां कनकरेंट ज्यूरिडिक्शन है, तो चाइना ये नहीं कर सकता कि इसका नाम है साउथ चाइना सी तो यहाँ तेल में ही नहीं निकलूंगा, तो भी तो झगड़ा पड़ा हुआ है। तो वहां पर वियतनाम भी है, पास में जापान है, पास में आपका साउथ कोरिया है, ठीक है, और इंडिया के जहाज भी जा रखे हैं, तो कोई भी जा सकता है वहाँ। तो वहाँ लोगों का, सारे देशों का, मुझे नहीं पता कितने देशों का है, लेकिन खाली चाइना का नहीं है। नाम होने थोड़े हो जाएगा कैसे, नाम है साउथ चाइना, यही तो इंडियन ओशन भी है, तो हमारा सारा थोड़ा इंडियन ओशन हमारा ठेका थोड़ा ले रखा है, हम उसके मालिक नहीं है। तो ऐसे समुद्र चूंकि आपके कॉमन है, समुद्र तो लिमिटेड है, देश बहुत सारे हैं, तो उन समुद्रों पर सभी का अधिकार होगा, है नहीं, बात समझे, समझे आपका। तो इसको पढ़ते रहने से हमारा जो आपका मेंटल होराइजन है दैट ऑल्सो एक्सपेंड्स एंड वी आर एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग कि क्या होता है कनकरेंट ज्यूरिडिक्शन। कभी कभी हो सकता है कि जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूँ, मुझे पता नहीं एग्जैक्टली है या नहीं है, कि NCR है, नेशनल कैपिटल रीजन, नोएडा आ गया, गुड़गांव आ गया, तो गुड़गांव तो हरियाणा पड़ता है, नोएडा आपको उत्तर प्रदेश में पड़ता है, लेकिन वो उत्तर प्रदेश का और दिल्ली सरकार का या दिल्ली पुलिस का कनकरेंट ज्यूरिडिक्शन भी हो सकता है। आप समझ में आ गया आपको, ज्यूरिस्डिक्शन का अर्थ होता है अधिकार क्षेत्र जो आपको कानून रूप से मिला है, और कनकरेंट का तो होता है किसी और के साथ, अकेला नहीं, ठीक है। तो उन्होंने कहा इसमें जो ये समुद्र था, इसमें इंडिया और इटली का दोनों का अधिकार क्षेत्र में था वो इस मामले में, बट कंक्लूडेड नहीं, कंक्लूड कर तो फैसला देना, ठीक ना, निश्चित करना, फैसला देना, डिसाइड करना, ये कंक्लूड बड़ी बड़ा इंपॉर्टेंट है। कंक्लूड के अलग अलग मायने बच्चों, ठीक है, कंक्लूड का एक अर्थ होता है टू एंड समथिंग, कोई मीटिंग या कॉन्फ्रेंस, ठीक है। इफ आई से द मीटिंग, अब देखो कितने सारे शब्दों को सीखना पड़ता है, द मीटिंग कंक्लूडेड इन ए फ्रेंडली एटमोसफियर, तो मीटिंग हुई थी तो उसका अंत बड़े दोस्ताने अंदाज में हुआ, या उसके जो आपके एटमोसफियर था पूरा, है ना, वो बड़ा फ्रेंडली था एटमोसफियर, ठीक है, वातावरण, ये कंक्लूड मतलब अंत हो गया आपका, ठीक है। कंक्लूड का जो अर्थ होता है फैसला करना भी आप। इफ आई से द कोर्ट हैज कंक्लूडेड, द कोर्ट हैज कंक्लूडेड, तो फैसला करना हो गया, यहाँ पर कंक्लूड का अर्थ हो गया डिसाइडेड, ठीक है ना, कोर्ट हैज डिसाइडेड दैट द टू पार्टी शुड, ठीक है, शुड कम टुगेदर, जो भी आपने बोलना बोल दो आप, हाँ, जो कोर्ट ने फैसला दिया है, मैं तो आपको कंक्लूड वर्ड सिखाना था, कोर्ट ने फैसला दिया कि दोनों पार्टी साथ आनी चाहिए, बस कंक्लूड। और कंक्लूड का एक अर्थ और है टू अंडरस्टैंड भी इसका मीनिंग आप, और इसका मीनिंग फिगरेटिवली हो जाता है टू डिराइव अ डिसीजन, तभी तो इसका मीनिंग अंडरस्टैंड होता है आप। इफ आई से व्हाट डू यू कंक्लूड, व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम हिज स्टेटमेंट, तो आप उसके स्टेटमेंट से क्या अर्थ निकालते हैं, उससे क्या डिसीजन निकालते हैं, क्या आप उससे निर्णय निकालते हैं, तो मैंने बता दिया आपको कंक्लूड के सारे प्रयोग, ठीक है। तो कोर्ट ने क्या कंक्लूड किया, क्या फैसला दिया, दैट द मरीन्स इम्यूनिटी प्रीक्लूडेड इंडियाज ज्यूरिडिक्शन, ठीक है। प्रीक्लूड कर तो होता है किसी चीज को, किसी व्यक्ति को कोई काम करने से रोकना, चूंकि मरीन को इम्यूनिटी थी, इम्यूनिटी का अर्थ मैंने 20 बार बता दिया आपको, हाँ, इम्यूनिटी का अर्थ है प्रोटेक्शन फ्रॉम लीगल एक्शन, प्रोटेक्शन फ्रॉम पनिशमेंट, चूंकि मरीन्स को इम्यूनिटी थी, और ऊपर लिखा हुआ इम्यूनिटी क्यों थी, क्योंकि वो किसी देश के बिहाफ पे काम कर रहे थे, इसलिए इंडिया का ज्यूरिडिक्शन उसमें उससे समाप्त हो जाता है, मतलब उसने इम्यूनिटी के कारण इंडिया का ज्यूरिडिक्शन को इसके अंदर इस केस में प्रिवेंट कर दिया, यानी वो अब वो लागू नहीं होगा। प्रीक्लूड का अर्थ होता है टू प्रिवेंट समबडी, ये ध्यान रखना आप, ठीक है, मैं इसका आपको समझ देता हूँ। वैसे प्रीक्लूड का अर्थ होता है ये टू प्रिवेंट, किसी को रोकना, टू प्रिवेंट समबडी फ्रॉम डूइंग समथिंग, ये इसका मीनिंग होता है, बेसिक मीनिंग, ठीक है ना, दैट्स इट। इफ आई से हिज फिजिकल कंडीशन precludes, ठीक ना आपका, his taking part in this meeting, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस मीटिंग में वो भाग ले, इसको
उसकी फिजिकल कंडीशन प्रिवेंट करती है, यानी उसकी फिजिकल कंडीशन ऐसी है कि वो मीटिंग अटेंड नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये आपने चीज़ों को समझना है, इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ भैया ये बहुत गहराई से पढ़ना पड़ता है, एग्जाम में इसका प्रयोग होता है, फिल इन द ब्लैंक्स में, ये फिल इन द ब्लैंक बना दो इसका आप, कल ये आपको कल्पना करो आपका सिंगल ब्लैंक में आता है और आपको प्रिक्लूड का अर्थ नहीं आता है तो मैं कैसे भरोगे आप, ये बताइए मेरे को आप। तो कोरी ग्रामर पढ़ने से ही थोड़ी अंग्रेजी आ जाएगी आप, ये बता रहा हूँ आप। ग्रामर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यूजेज इंपॉर्टेंट है, शब्दों का प्रयोग बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस फिजिकल कंडीशन प्रिक्लूड्स यू नो इज टेकिंग पार्ट इन दिस मीटिंग, ठीक है। प्रिक्लूड नहीं, कंडीशन है सिंगुलर है, टेंस आपका सिंगल या पास टेंस करता हूँ। इस फिजिकल कंडीशन प्रिक्लूडेड इज टेकिंग पार्ट इन दिस मीटिंग, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि उसकी फिजिकल कंडीशन के कारण वो इस मीटिंग में भाग नहीं ले सकता या नहीं लग सकता था, पास्ट टेंस में तो प्रिक्लूडेड कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो चूंकि वो अब क्या हुआ एक्चुअली ये जो घटना हुई, तो कोर्ट ये कह रहा है कि वहाँ पर दोनों का कनकरेंट ज्यूरिसडिक्शन था, इस चीज़ों को समझने की कोशिश करना, यानी दोनों का अधिकार क्षेत्र था, ठीक है। लेकिन चूंकि मरीन्स किसी देश के बिहाफ पे काम कर रहे थे, इसलिए इंडिया के ज्यूरिसडिक्शन का सवाल पैदा नहीं होता है, क्योंकि उसके बिहाफ पे काम कर रहे थे। फिर क्या हुआ, इन इंडियाज फेवर, तो भारत के पक्ष में पीसीए ने ये पाया, पीसीए समझ गया, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने ये पाया दैट द इटालियन वेसल हैड वायलेटेड द राइट एंड फ्रीडम ऑफ, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा, ये बिल्कुल जायज़ बात है, कि ये जो इटालियन वेसल थी जिसमें बैठे इटालियन मरीन्स ने आपके केरला के नेवी को अपने मछुआरों को मारा, गोली मार के मार दिया, तो उन्होंने ये जो अधिकार है इंडियन फिशिंग वेसल्स का अनक्लॉज के तहत, इसमें बहुत ही कानूनी शब्दों का शब्द भी है, और ये कन्वेंशन है यूनाइटेड नेशन के, कल आपके एग्जाम में आ जाएगा, कहती है तो एक दो बार देखा हुआ एग्जाम है इसका फुल फॉर्म, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सीज, ये इसका फुल फॉर्म है, अगर कहीं लिखा हुआ नहीं तो मैं लिख भी देता हूँ इसको, एक सेकेंड हाँ, तभी कह रहा हूँ बहुत नॉलेज होता है ढंग से पढ़ने से। अखबार तो आर स्टूडेंट की जान होनी चाहिए, मैं कितने स्टूडेंट को जानता हूँ जो आर एस आई एस की तैयारी कर, सिविल सर्विसेज की, दिन भर लगे रहते अखबार में, एक एक शब्द को एक एक चीज़ को पढ़ते थे। ऐसा विद्यार्थी जिसके जीवन में अखबार नहीं है तो मैं कहूँगा फिर वो विद्यार्थी कहलाने के लायक ही नहीं है, ठीक है। कितनी इंपॉर्टेंट आपके, कितना सारा नॉलेज बढ़ गया आपको, पी सी आ गया, अनक्लॉज आपको आ जाएगा, आपको द हेग का आ गया, तो हेग में क्या है, हेग में आपका पी सी ए परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है, विच इज़ पार्ट ऑफ आई सी जे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के, इसका फुल फॉर्म ये है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशंस कन्वेंशन फॉर लॉज ऑफ सीज। मैंने कहा ना कि बहुत सारे कानून बने हुए हैं, समुद्र तो लिमिटेड हैं लेकिन देश बहुत सारे हैं, तो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये कानून बने हुए हैं, तो वो निर्धारित करते हैं कि भाई आप कहाँ तक आ सकते हो, क्या क्या वहाँ पर कार्रवाई कर सकते हो, ठीक है ना। एनीवे तो उसने क्या माना, ये तो माना, ये इंडिया के फेवर की बात होगी, पीसीए ने क्या माना कि जो इटालियन वेसल थी इसने जो उनका अधिकार था अनक्लॉज के अंतर्गत कि वो अपने वहाँ पर फिशिंग कर सकते थे, उस राइट ऑफ फ्रीडम का, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को चलाना, नाव को चलाना, ठीक है, तो उसका उन्होंने वायलेशन किया, इटालियन मरीन्स ने उसको वायलेट किया, वायलेट कर तो उसको उल्लंघन किया, अब समझ आ गया आपको। और क्या बोला, एंड दैट द एक्शन विच कॉज लॉस ऑफ लाइफ प्रॉपर्टी एंड हार्म, जो भी उन्होंने एक्शन लिया और जिसके कारण नुकसान हुआ जिंदगियों का, प्रॉपर्टी का, और कोई नुकसान हुआ, मेरिटेड कंपनसेशन, तो उसमें मेरिट का अर्थ होता है लाइक होना, डिजर्व करना, उसमें कंपनसेशन की जरूरत है, तो आपको उसकी क्षतिपूर्ति करनी पड़ेगी। तो उन्होंने कोर्ट ने ये तो माना कि भाई आपने जो नुकसान किया है वो उसके लिए आपको क्षतिपूर्ति करनी पड़ेगी, मेरिट का अर्थ होता है लाइक होना, डिजर्व करना। देखो मेरिट नाउन के रूप में अलग अर्थ है, मेरिट का मतलब आपके गुण होते हैं, गुड क्वालिटी, सिंगुलर में है तो गुड क्वालिटी इज कॉल्ड मेरिट, है ना आपका। और वर्ब के रूप में मेरिट का अर्थ होता है टू डिजर्व। अगर ये वर्ब है इसका मीनिंग होता है टू डिजर्व। संदर्भ भी देखने पड़ते हैं हर जगह, नहीं ये नहीं कहना ही मेरिट्स टू बिकम, ही मेरिट्स ऐसे नहीं इस्तेमाल होता, ठीक है। इफ आई सी योर केस
योर केस डज नॉट मैरिट कंसिडरेशन, तो आपका जो केस है, आपका जो मामला है, वो विचार करने योग्य नहीं है, ये इसका अर्थ है, ठीक है। लेकिन जो हुआ दैट मेरिटेड कंपनसेशन, तो उसमें क्षतिपूर्ति का उनको हक है, वो डिजर्व करते हैं उनको कंपनसेशन दिया जाए। कंपनसेशन का अर्थ होता है, मैं कल भी शायद आया था एक कंपनसेशन रिपेरेशन, मैंने इसका सिनोनिम ने आपको बताया था कि क्षतिपूर्ति इसका मीनिंग होता है। समय आ गया आपको। इट आज द पार्टी, इट मीन्स अगेन कोर्ट PCA, आज द पार्टीज, पार्टीज कौन हो गया, एक पार्टीज तो भारत हो गया और दूसरा इटली हो गया, तो कंसल्ट ईच अदर, दोनों एक दूसरे के सलाह कर लें ऑन द कंपनसेशन ड्यू टू इंडिया एज ए रिजल्ट, ठीक है। अरे ये ड्यूटी के दो अर्थ होते हैं, ड्यूटी एक तो आपको पता है आपका प्रीपोजिशनल फ्रेज है जिसका मतलब होता है के कारण, लेकिन यहाँ पर ड्यू टू आपका के कारण नहीं है, जानना, ड्यू टू मीन्स देनदार, ओ करना, ओ समझो देनदार होना। एक को मैंने कहा यार भैया आप फोन किया, मैंने उनको पहले मेरे यहाँ काम करते थे, मैंने कहा सम मनी इज ड्यू टू यू, सम मनी इज ड्यू, सॉरी, सम मनी इज ड्यू टू यू, इसका मतलब क्या हुआ, मैंने आपको कुछ पैसा देना है, ये इसका मीनिंग हो गया। इसलिए अखबार हो, मैगजीन हो, नॉवल हो, ये सब बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी आपको देते हैं हर चीज़ को सीखने के लिए, ठीक है। सम मनी इज़ ड्यू टू यू, या ऑफिस गए आपने कहा अकाउंटेंट को बोला अरे मेरे को कुछ पैसा देना है, कि एक दो मेरा ऐसा लग रहा है एक दो बिल मेरे पास होके आए हों, क्या पता, इज़ देर सम मनी ड्यू टू मी, तो अकाउंटेंट ने कहा मैं देखता हूँ, चेक करता हूँ, अगर कोई आया होगा तो मैं आपको दे दूँगा, ठीक है, ये आपने समझना है। ओके, इट आज द पार्टी, समझो आपका, ओके, और जो कंपनसेशन देना है आपस में बात कर लो। मोर सिग्निफिकेंटली, ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या था, द PCA रिजेक्टेड अ की आर्ग्यूमेंट, भारत का रिजेक्टेड अ की आर्ग्यूमेंट बाई इटली का क्यू आर्ग्यूमेंट उसने रिजेक्ट किया, PCA ने, PCA को फैसला ऐसा देना, दोनों देश खुश रहे, दैट इंडिया बाई लीडिंग द इटालियन वेसल इन टू इट्स टेरिटरी। फिर क्या हुआ कि जो इटालियन वेसल थी ना आपका, तो भारत के कोस्ट गार्ड के आगे होंगे, उनके पास हैवी वेपन होंगे, उसको वो गाइड करके लीड करके अपने अपने क्षेत्र में लेके आ गए, कौन, भारत, है ना, और उन्होंने मरीन्स को अरेस्ट कर दिया, ठीक है। तो इटली ने बोला कि ऐसा करके भारत ने अपना जो ऑब्लिगेशन कॉल होता है जो उसको करना जरूरी होता है, ठीक है ना, और क्या जरूरी था करना, ये लंबे समय संन्यास होते हैं, इनको समझना बहुत जरूरी है, टू कॉपरेट विथ मेजर्स, उन कदमों का, उन मेजर्स का मतलब यहाँ पर कदम है, प्रयास हैं, ठीक है, कॉपरेट करना, उन प्रयासों को कॉपरेट करना जिसमें फलाने फलाने अनक्लॉज के, ये अनक्लॉज आपको मैंने बताया, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन फॉर लॉज ऑफ सीज के आर्टिकल 100 के अंतर्गत पायरेसी को रोकने का जो ऑब्लिगेशन है, जो आवश्यक चीज़ है, सबने पायरेसी का मतलब समुद्र की डाकुओं का एक्शन इज कॉल्ड पायरेसी, पायरेट कहते हैं समुद्री डाकू को, ठीक है, वो कहते हैं पायरेट, न्यूज़ भी पढ़ी होगी आपने, सॉरी पिक्चर भी देखी होगी पायरेट वाली, ठीक है, इसको एक मैं सिंपल भाषा में लिख रहा हूँ, सी डकॉइट, समझ आ गया, समुद्री डाकू, और पायरेसी आपको पता है डकैती, डकॉइटी जो समुद्र में की जाती है, बाकी नहीं, यहाँ ध्यान रखना आप, और ये भी ध्यान रखना आपका पायरेसी आपका इनकी भी होती है कि जब आप नकली ये पायरेटेड सीडीज का इस्तेमाल करते हो, इसको पायरेसी, सॉफ्टवेयर की पायरेसी। तो वो कह रहा है कि भारत को बहुत, भारत बंधा हुआ है, भारत लीगली बाउंड है, ऑब्लिगेशन लीगली बाउंड, ऑब्लिगेशन का मीनिंग लीगली बाउंड भी होता बच्चों, ठीक है ना आपका, यानी ये बहुत जरूरी है भारत के लिए करना, इसका अर्थ लीगली बाउंड, बाउंड का मतलब बंधा हुआ, कानून से बंधा हुआ है भारत, कि वो क्योंकि उन्होंने साइन किया है अनक्लॉज को, इसके अंतर्गत सप्रेस करना है पायरेसी को, रोकना है, सप्रेस मतलब दबाना है, ठीक है, उसको आगे बढ़ना नहीं देना है। उनका कहने का अर्थ था कि ये तो इन्होंने खुद ने पायरेसी कर दी, हमको उठा के लेके चले गए, ये पायरेसी का केस है ये तो, और इसका अर्थ ये है, लेखक कह रहा है, दिस मे मीन दैट द आर्बिट्रेशन कोर्ट डिड नॉट व्यू द इंसिडेंट एज वन रिलेटेड टू पायरेसी एट ऑल, एट ऑल मीन्स बिल्कुल भी नहीं, ठीक है ना, नॉट इन एनी वे, एट ऑल का भी मीनिंग होता है, एट ऑल का तो होता है नॉट, जनरली नेगेटिव होता है ये, इसका मीनिंग होता है इन एनी वे, किसी भी रूप में। तो कोर्ट ने इसको पायरेसी का केस नहीं माना, इटली कह रहा है पायरेसी है,
पायरेसी क्या हो गया? समुद्री लुटेरे काम हो गया, हमको जबरदस्ती उठा के अपने ये वहाँ लेके चले गए, तो पायरेसी हो गया ना, ये तो लूट का काम हो गया। लेकिन उस कोर्ट ने उसको नहीं माना, ठीक है। और इस इंसिडेंट हैड कॉज नेशनल आउटरेज, और इस घटना से अपने देश में बड़ा गुस्सा पैदा, आउटरेज का एंगर, आउटरेज बड़ा अच्छा वर्ड है, कभी इसको और कराऊंगा नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है ना आपका। एन एंग्री रिएक्शन इज कॉल्ड आउटरेज, ठीक है। जैसे कल घटना, कल परसों घटना हुई ना, कल ही हुई शायद कानपुर में, तो इट क्रिएटेड आउटरेज इन द पीपल कि भाई 8 पुलिस वालों को मार दिया, बताओ यार 8 परिवारों में, ठीक है, सब कुछ खत्म हो गया, ठीक है। तो उसने उसको पायरेसी नहीं माना, और आगे लिखा हुआ है, सॉरी आगे लिखा हुआ है, ये हमने यहाँ तो पढ़ लिया था, इंसिडेंट कॉज नेशनल आउटरेज, और इस घटना से बहुत ही गुस्सा पैदा हुआ लोगों में। एज द पब्लिक सॉ दिस एज वॉन्टन किलिंग्स, ना वॉन्टन किलिंग्स का तो होता है, वॉन्टन किलिंग मीन्स ऐसी किलिंग जिसमें आपने यार बिल्कुल भी परवाह नहीं की लाइफ की, इसको कहते हैं वॉन्टन किलिंग्स, ठीक है। वॉन्टन शब्द का अर्थ ही होता है विच इज एक्सट्री, एक तो इसके इसमें ये भी जोड़ना आपने, समथिंग विच इज एक्सट्रीमली बैड एंड शोइंग नो केयर, ये इसका मीनिंग है, ध्यान रखना आप। जैसे वॉन्टन ये कानपुर की भी आप कह सकते हो, ठीक है ना आपका, दैट्स राइट। द मैन रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस वॉन्टन किलिंग शुड बी अरेस्टेड और शॉट डेड, तो कैसे कहोगे द मैन रिस्पॉन्सिबल, ये 8 पुलिस वाले जो मारे गए कानपुर में उसकी बात कर दो, मैन रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज वॉन्टन किलिंग्स, आप समझ गए आपका, ये किलिंग जो थी, ये जो आपके मारे जाने की कार्रवाई थी, ये बहुत ही खराब थी, और इसमें आपने इंसानी जीवन के प्रति बिल्कुल भी कोई परवाह नहीं किया, इसको अगर बिना परवाह करके करोगे कोई काम तो उसको वॉन्टन कहते हैं, ठीक है। हमारी डिजायर्स भी होती हैं वॉन्टन डिजायर्स, जो बहुत खराब होती हैं और जिसमें आप किसी चीज़ की परवाह करते नहीं हैं, उसी जगह लोग कई बार रेप भी कर देते हैं। द मैन रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस वॉन्टन क्लिंग शुड बी शॉट डेड, लोग नो, ये लोगों के अंदर गुस्सा है और ये लोग कह रहे हैं 8-8 पुलिस वाले मारते, बताओ यार आप, अब अभी आपको आ गया वॉन्टन की नहीं आया। वॉन्टन इज समथिंग बैड एंड इट शोज नो केयर फॉर एनी ह्यूमन लाइफ, उसको कहते हैं वॉन्टन, ऐसे, ठीक है। इन एज मच एज, यहाँ तक कि एज द सर्कमस्टांसेस इंडिकेट, आपका संकेत देना, नो अटेंड बाई फिशिंग वेसल एट पायरेसी, अरे पायरेसी पे तो कोई फिशिंग वेसल ने पायरेसी तो की ही नहीं, पायरेसी तो उल्टा इंडिया ने की, तो पायरेसी थोड़ी थी आपका, कोई समुद्री डाकू थोड़ी थे, वो फिशिंग कर रहे थे बेचारे, तो अपने देश में इसके प्रति बड़ा गुस्सा हुआ, उल्टा हम पे इल्जाम लगा रहे हैं पायरेसी कर रहे थे, हाँ लूटपाट कर रहे थे। फिशिंग वेसल वॉज विद इन द कंट्रीज कंटिग्यूस जोन, कंटिग्यूस जोन सुन गया आपका, ऐसा क्षेत्र जिसमें दो देशों की बाउंड्री आपस में मिले, ठीक है। एंड इट वॉज क्वाइट क्लियर, कॉन्टिग्यूस का छूता हुआ, टचिंग, ये वर्ड भी आना चाहिए आप, कॉन्टिग्यूस बॉर्डर का अर्थ होता है, बताओ एक में कितना पढ़ना पड़ता है बच्चों, आप इसका मीनिंग टचिंग बॉर्डर के लिए इस्तेमाल करना, यूज इन ऑल इन सेंस ऑफ बॉर्डर, ठीक है। सेंटेंस, वी हैव कॉन्टिग्यूस बॉर्डर बॉर्डर विथ मैनी कंट्रीज, हमारी बहुत सारी कंट्रीज साथ में कॉन्टिग्यूस बॉर्डर है, टच कर रहा है उनके साथ में, जुड़ा हुआ है, ठीक है, ध्यान रखना। कॉन्टिग्यूस होता है एक कंटेजियस होता है बच्चों, कभी कंफ्यूजन मत करना, कंटेजियस ऐसी बीमारी है जो बहुत सारी फैलने वाली, जैसे आपका ये कोविड है, इट इज़ ए कंटेजियस इन्फेक्शन, इन्फेक्शियस, यानी कि इनमें दोनों फ़र्क है, कंटेजियस में कॉन्टेक्ट फैलता है, इन्फेक्शन में बाय एयर फैलता है, एनीवे लेकिन अंतर बता रहा हूँ, कॉन्टिग्यूस कंटेजियस, कन्फ्यूज मत होना। एंड इट वॉज क्वाइट क्लियर दैट द ऑफेंस वारंटेड अरेस्ट, और इसमें वारंट का मतलब उचित होना, इसमें ये वारंट का अर्थ होता है उचित होना, टू मेक एन एक्शन नेसेसरी इज कॉल्ड वारंट, ये अच्छा वर्ड है, सबको आना चाहिए। एक तो पुलिस का वारंट होता है अरेस्ट का, सर्च का, तो वो आपकी लीगल परमिशन भी है, हाँ आपका, और ये वर्ब के रूप में इसका अर्थ होता है टू मेक एन एक्शन नेसेसरी, इसका मीनिंग टू मेक एन एक्शन नेसेसरी। थोड़े से समझाने की कोशिश करता हूँ आपका, बहुत अच्छा वर्ड है, 20 बार एग्जाम में आ रखा है, ठीक ना। एक आदमी ने ऐसा बोला कि जो इसने किया है उसमें ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इसको तुरंत अरेस्ट किया जाए, सबने समय आ गया, इसने जो किया है
उसमें ये आवश्यक है कि उसको तुरंत अरेस्ट किया जाए. और इसमें मैंने वारंट शब्द का इस्तेमाल करना तो कैसे कहूँगा, व्हाट ही डिड मीन जो उसने किया वारंट्स हिज इमीडिएट अरेस्ट. बच्चों आप सेंटेंस नहीं बनाओगे, सीखोगे नहीं. और कभी कभी अखबार में जो लिखा होता है या किसी किताब में उसे पूरा आप समझ नहीं पाओगे. अब मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया इसका अर्थ क्या हुआ कि जो उसने किया वो उसकी तुरंत गिरफ्तारी की को आवश्यक बनाता है. ठीक है, जो उसने किया है उससे ये आवश्यक हो गया है कि उसे तुरंत गिरफ्तार किया जाए. अब समय आ गया आपका कि नहीं आया बच्चों? ठीक है. और कोई भी एक्शन अगर अनवारंटेड था, अब वारंटेड एक्शन मीन्स ऐसा एक्शन जो जरूरी था आपका और जो आपने किया, डिजायरेबल, दिस एक्शन वॉज वारंटेड. तो इसका मतलब क्या, ये एक्शन जरूरी था, जो हुआ वो उचित था. दिस एक्शन अगेंस्ट हिम वॉज वारंटेड. इसलिए मैं टाइम खर्च कर रहा हूँ, हालांकि मेरा टाइम निकल रहा है और मैंने आपको प्रॉमिस किया 9 से पहले तो होगा नहीं, 9 तो बच गए मेरे इसके रिकॉर्डिंग में ही. द एक्शन अगेंस्ट हिम वॉज वारंटेड. ठीक है. और जो आपने अगर ये कहना हो कि जो एक्शन हमने किया या किसी ने लिया वो अनवारंटेड था, तो अनुचित था, या अनवारंटेड भी आपको आना आ जाएगा. ठीक, दिस एक्शन वॉज वारंटेड. ठीक है ना. एक ने अपने छोटे भाई को डांटा तो पापा ने कहा तैने उसको डांटा दैट वॉज वारंटेड, तैने उसको झापड़ मारा दैट वॉज अनवारंटेड. उसको इंग्लिश में कैसे लिखोगे? ठीक है. यू स्कोल्डेड हिम, इसको डांटना. ठीक है, सेमीकोलन लगाओ, पीछे कंजक्शन नहीं है. दैट वॉज वारंटेड. दैट वॉज, इसका मतलब क्या हुआ? तैने उसको डांटा, ये वारंटेड था. यू स्लैप्ड हिम, तैने उसके झापड़ मारा, तैने उसको थप्पड़ मारा. ठीक है, सेमी कॉलन, आगे लिखो दैट वॉज अनवारंटेड. तो मैंने अपनी तरफ से प्रयास किया बच्चों आपको समझाने का, मुझे उम्मीद है कि मैं आपको समझा पाया. ठीक है, तो एक्शन वारंटेड है तो वो डिज़ायरेबल है, वो आपका अप्रोप्रिएट है, एप्ट है. अगर अनवारंटेड है तो वो अनुचित है, उचित नहीं है, अनडिज़ायरेबल है. आई होप कि मैं समझा पाया. हाँ, और वारंट वह भी आ गया. ठीक है. ये नेशनल आउटरेज में क्या था, ये तो था, अरे भाई कमाल है, इनको अरेस्ट किया जाना चाहिए था, ये तो अरेस्ट करना तो वो जरूरी था. और डोमेस्टिक लॉ यानी हमारे देश के जो कानून है उसके तहत उनके खिलाफ मुकदमा करना भी जरूरी था, प्रोसिक्यूशन. ठीक है, ओके. नाउ क्या हुआ, अब पारी से एंगल तो रूल आउट हो गया. ठीक है ना, आपका पीसीए ने रूल आउट कर दिया. रूल आउट करने का अर्थ होता है कहना कि ये पॉसिबल नहीं है, ये भी आना चाहिए टू रूल आउट समथिंग, टू बिकम, टू से दैट समथिंग इज इम्पॉसिबल, इज कमिंग, समथिंग इज इम्पॉसिबल. किसी के सर्दी जुकाम था, डॉक्टर दिखाया तो जिसको था उसको लग रहा कहीं कोविड तो नहीं है मेरे को, ऐसा होता ना, कोरोना तो नहीं है. तो डॉक्टर ने कहा नहीं नहीं कोरोना इज कम्प्लीटली रूल आउट, इसका मतलब कोरोना होने की संभावना नहीं है. एक एक शब्द को, एक एक फ्रेज को सीखना बहुत जरूरी है. ठीक है ना. तो अगर किसी ने पूछा मैं यहाँ क्या बोला डॉक्टर ने, तो आपने कहा द डॉक्टर रूल्ड आउट कोरोना. तो डॉक्टर ने कोरोना तो बिल्कुल नहीं हो सकता, तो कितना आराम से हो गया. तो किसी को रूल आउट करने का अर्थ होता है ये कहना कि ऐसा संभव नहीं है. ठीक है. तो कोर्ट ने क्या कहा, ठीक है, कि भाई पायरेसी रूल आउट है, यानी पायरेसी का ये मामला नहीं है. ठीक है, भारत ने कोई पायरेसी नहीं किया, ना उनके मछुआरे कोई पायरेसी कर रहे थे. ठीक है, तो ये रेगुलर ट्रायल वॉज इन ऑर्डर, तो रेगुलर ट्रायल हो सकती थी, हमने ये भारत का कह रहे हैं. तो फिर क्या हुआ, द यूनियन गवर्नमेंट शुड हैव टेकन ओवर द प्रोसिक्यूशन एंड इंश्योर्ड अ क्विक ट्रायल. ऐसे मामलों में बस फटाफट करना चाहिए था, फटाफट किया नहीं. ठीक है ना, आपका इंश्योर मतलब सुनिश्चित करना, क्विक ट्रायल. हाउएवर, ठीक है, एज लीगल टेंगल्स, नाउ टेंगल कम्स द कॉम्प्लिकेशंस, ये टेंगल वर्ड भी बड़ा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, टेंगल वर्ब भी है, टेंगल आपका नाउन भी है, ये दोनों है. टेंगल का तो आपस में फंसा हुआ. ठीक है, अगर मैं आपको कहूँ योर हेयर इज इन ए टेंगल, योर हेयर इज इन अ टेंगल, ये नाउन हो गया, इसके मैंने आर्टिकल लगाया, तो आपके बाल जो है उलझे हुए हैं, आप समझ आ गया आपको. ठीक है,
और टेंगल मतलब फंसा उलझा हुआ होना भी आप, इफ मैं ये भी कह सकता हूँ योर हेयर इज टेंगल्ड, योर हेयर इज सर के सारे बालों के लिए वो आप सुन लगाना योर इज टेंगल्ड, तो तुम्हारे बाल आपस में उलझे हुए हवा के कारण, बड़ा अच्छा वर्ड है। और सुलझाने के लिए वर्ड है अनटेंगल, ये सब आना चाहिए आपको। एक माँ ने अपनी बेटी को एक ऊन का गट्टा दिया, ऊन दी, ऊन समझो आप जैसे स्वेटर बुनते हैं वो दी, और कहा इस उलझी हुई ऊन के गट्टे को सुलझा दे। तो कैसे कहेगी माँ, माँ उसको कहेगी अपनी बेटी को अनटेंगल दिस टेंगल्ड बॉल ऑफ वूल। तो आई होप कि ये आपको समझ आ गया अनटेंगल क्या होता है। तो कोई चीज़ फंसी हुई हो उसको सुलझाना, टेंगल उलझा हुआ उलझाना, ठीक है। और इसका फिगरेटिव अर्थ भी है, यहाँ पर इसका मीनिंग फिगरेटिव है। लीगल टेंगल्स करता उसमें बहुत सारे उलझने थी, कैसी कानूनी, सॉर्ट आउट कर दो उसको सॉल्व करना, सॉर्ट आउट मीन्स टू सॉल्व, ठीक है। इसको अलग से लिखो तो सॉर्ट आउट करता होता है टू सॉल्व, ठीक है, टू सॉल्व। तो उसमें बहुत सारी लीगल उलझने थी, मैं डाल दूंगा आपको उसमें, तो आराम से आप देख सकते हो, रोकने की जरूरत नहीं मेरे को इसको, है ना। तो ये लीगल जो उलझने थी इनको सॉल्व किया गया, और इंडिया वॉज डीलिंग विद डिप्लोमेटिक फॉलोआउट का रिजल्ट। अब इटली से पंगा लिया आपने तो वो यूनाइटेड यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है और बहुत स्ट्रांग यूनियन है वो, तो डिप्लोमेटिक भी उसका असर पड़ने लग गया, कई लोगों से फ़ोन आने शुरू हो गए, कई को कई धमकी भी दे दी उन्होंने आपको, ठीक है। इसी बीच जो ये हो रहा था, फॉलोआउट का अर्थ होता है रिजल्ट, ठीक है, फॉलोआउट मीन्स रिजल्ट, और रिजल्ट आपका अच्छा नहीं होता है ध्यान आपका, और एक साल लिखना उसका फॉलोआउट, ठीक है ना, रिजल्ट, ठीक है। अभी टिकटॉक बैन जो भारत ने किया है दैट इज़ अ फॉल आउट ऑफ डिटेरियेशन इन द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड चाइना, भारत और चाइना के जो रिलेशन खराब हुए हैं उसका ही परिणाम है। तो बड़ा शानदार वर्ड है आपका, सरनेस कैसे बनाओगे, बैनिंग टिकटॉक, ये टिकटॉक इंग्लिश का वर्ड नहीं है बच्चों ध्यान रखना, टिकटॉक ये है क्या मुझे पता नहीं है, टहलने लगेगी, लेकिन आप समझ गए ना, बैनिंग, बैन का मतलब उसको निषेध करना, वर्जित करना। वॉज अ फॉल आउट, वॉज अ फॉल आउट मीन्स का रिजल्ट था, किसका रिजल्ट था, वॉज अ फॉल आउट ऑफ डिटीरियोरेटिंग रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड चाइना, उसका परिणाम था। तो बैन हो गया आप, आई होप आप फॉल आउट का इस्तेमाल भी कर सकोगे, बैनिंग टिकटॉक वॉज अ फॉल आउट ऑफ डिटीरियोरेटिंग, डिटीरियोरेटिंग का अर्थ होता है वर्सनिंग, बद से बदतर होते हुए रिलेशनशिप का परिणाम था वर्सनिंग, ठीक है। अरे यार लेट होता जा रहा हूँ भाई, ठीक है, वर्सनिंग रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड, तो उसका परिणाम था। तो डिप्लोमेटिक फॉलोआउट का मतलब कूटनीतिक परिणाम, और उसके चक्कर में मरीन जो था ना आपका, वो कोर्ट के ऑर्डर प्राप्त करके और कंट्री छोड़ने में सफल हो गए, तो देश से चले गए आपने, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये रूलिंग दी, ये व्यवस्था दी, ये कानूनी तौर पे बताया दैट ओनली, अभी ये झगड़ा चल रहा था उनका कि इस मामले में केवल सेंटर ही एक्शन ले सकता है, केरला नहीं, ठीक है ना, उनको प्रोसिक्यूट जो है केवल सेंटर कर सकता है। ये झगड़ा चल रहा था, डिप्लोमेटिक भी आपके कूटनीतिक परिणाम भी उसके कुछ हो गए, और उसमें कुछ लीगल उलझने थी, उनको सुलझाने के अंदर सब निकल गया और वो अपने देश चले गए। ओके, अब बिगर लीगल इशू, बड़ा मुद्दा, कानूनी मुद्दा जिसके कारण और देर हुई, विच कॉज मोर डिले, बाद में आया, केम लेटर, लेटर क्या आया कि एनआईए ने, हमारी जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, उसने कहा इन्वोक का मतलब ये कहना कि इस केस में ये इसकी धाराएं लगनी चाहिए, ये लंबा एक्ट है ना इसकी, इतना लंबा एक्ट है, इसकी इसमें धाराएं इन्वोक करने का अर्थ होता है ये कहना कि इस केस की, इस एक्ट की इसमें धाराएं लगनी चाहिए, ठीक है आपका। और ये एक्चुअली कि इसकी धाराएं अगर लगती तो उनको डेथ पेनल्टी मिलती, किनको, उन इटालियन नाविक्स को, और इसके कारण हंगामा मच गया, इट कॉज्ड अ डिप्लोमेटिक फ्यूरोर, फ्यूरोर मींस एंग्री रिएक्शन। अच्छा, ये तो अपने देश के लिए काम कर रहे थे और आप उसको फांसी की सजा देने की बात कर रहे हो, फ्यूरोर का अर्थ होता है एंग्री रिएक्शन, सब आने चाहिए आप, एंग्री, सॉरी क्या कर दिया मैं जल्दीबाजी में हूँ अभी क्योंकि बहुत लेट हो रहा हूँ मैं, एंग्री रिएक्शन, ठीक है आप,
द किलिंग ऑफ 8 पुलिसमैन इन कानपुर कॉज अ फ्यूरोर इन पब्लिक. ठीक है, एक तरफ फ्यूरोर क्या एंग्री रिएक्शन से आउटरेज था, वह सेम तरह का शब्द है. एज इट प्रोवाइड्स फॉर द डेथ, प्रोवाइड फॉर का होता है कि उसमें इसका व्यवस्था है कई की डेथ पेनल्टी की. दोस्तों तो इटली वगैरह यूरोपीय यूनियन के नेशंस के जो देश थे वो नाराज हो गए. अच्छा, द EU क्या क्या उसने देखो आप, EU थ्रेटन टू इम्पोज ट्रेड, सबसे बड़ी उनके पास में ये है कि आपके ट्रेड बैरियर लगा देंगे हम. इम्पोज का लगाना होता है, टू इम्पोज ट्रेड सैंक्शन का तो होता है कि हम आपके ऊपर व्यापारिक प्रतिबंध लगा देंगे. टू इम्पोज ट्रेड सैंक्शन का अर्थ होता है व्यापारिक प्रतिबंध लगाना. तो फिर अंत में क्या, अल्टीमेटली इट टुक टाइम फॉर दीज चार्जेस टू बी ड्रॉप्ड. और फिर ये टाइम लगा, ये जो है ये NIA ने जो आरोप लगाए इसके, तो वो ड्रॉप हो गए. ड्रॉप मतलब उनको हटा दे, छोड़ दिया गया. फिर क्या हुआ, PCA ने जो अवार्ड दिया, PCA ने जो फैसला, यहाँ पर अवार्ड का मतलब अवार्ड नहीं है, रिवार्ड नहीं है, इसका मतलब फैसला है, विच इज़ फाइनल एंड हैज़ बीन एक्सेप्टेड बाय इंडिया. और वो फाइनल था और इंडिया ने भी उसको एक्सेप्ट कर दिया. एंड दैट वॉज ए ह्यूज सेटबैक. ना सेटबैक का अर्थ होता है कोई भी चीज़ जिससे आप आगे नहीं बढ़ सकते. ठीक है ना, आपको जिस सबने कहा ना, उसने एक दुकान खोली लेकिन वो दुकान ही बंद हो गई. दैट वॉज ए ह्यूज सेटबैक टू हिज बिजनेस. तो सेटबैक का तो धक्का. ठीक है ना, और किसको धक्का किसको लगा, उस उम्मीद को जो भारत ने रखी थी, एक्सपेक्टेशन उम्मीद दैट द टू मरीन्स वुड फेस अ क्रिमिनल ट्रायल इंडिया, कि इन दोनों खिलाफ भारत में क्रिमिनल ट्रायल चलेगा, उस उम्मीद को बहुत बड़ा धक्का लगा. आर यू गोइंग टू फाइंड, क्योंकि PCA ने फाइनल अवार्ड दे दिया और वो भारत को भी एक्सेप्ट करना पड़ा. उसके बहुत सारे कारण हो गए, EU की थ्रेट हो गई कि हम आपके ऊपर ये बैन लगा देंगे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं. इटली सक्सीडेड, और इटली क्या हुआ, सफल हो गया इन टेकिंग द मैटर आउट ऑफ इंडिया हैंड्स. और इटली जो है इस मामले को भारत के हाथों से बाहर ले गया, यानी भारत का उसमें कुछ रोल नहीं रहा. इट शुड नाउ मेक गुड ऑन इट्स कमिटमेंट टू हैव द मरीन स्ट्राइड अंडर इट्स डोमेस्टिक लॉज. अब उसने शायद ये प्रॉमिस किया होगा कि इनके खिलाफ हम अपने देश में मुकदमा चलाएंगे. तो इसमें ये लिखा हुआ है कि इट मीन्स इटली को जो अपना कमिटमेंट है, जो उसने वादा किया है, ठीक है ना, उस वादे पे अभी खरा उतरना चाहिए. ठीक है ना, शुड नाउ मेक गुड, ये कल भी आया था मेक गुड. अगर समझ, आपने प्रॉमिस मेरे को किया है कि भाई अगर मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर निकल गया तो मैं बहुत बड़ी पार्टी दूंगा. तो मैंने उसका, नाउ यू शुड मेक गुड ऑन योर कमिटमेंट टू थ्रो अ पार्टी व्हेन यू बिकम ए कस्टम्स इंस्पेक्टर. कस्टम्स, हाँ, तो कैसे कहोगे बच्चों इसको? तो उसको ऐसे कहूँगा कि अगर उसने प्रॉमिस किया था कि मैं इंस्पेक्टर बन गया तो आपको बहुत बड़ी पार्टी दूंगा, तो मैं उसको ऐसे कहूँगा, यू शुड कम गुड ऑन इट्स योर कमिटमेंट टू थ्रो, इंग्लिश पार्टी को थ्रो किया जाता है, गिव नहीं किया जाता, ध्यान रखना बच्चों, टू थ्रो अ बिग पार्टी. कब? व्हेन यू बिकम अ कस्टम्स इंस्पेक्टर. इसको कस्टम नहीं कहना, कस्टम्स इंस्पेक्टर बोलना है. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कम गुड ऑन योर कमिटमेंट मीन्स आपको अपना वादा निभाना पड़ेगा, निभाना चाहिए, क्योंकि आपने वादा किया था. तो इटली को भी अपना वादा पूरा करना चाहिए. क्या वादा? टू हैव द मरीन स्ट्राइड. इसमें हैव आपका एक पॉजिटिव वर्ब के रूप में है. इसका प्रयोग क्या हैव का पॉजिटिव वर्ब के रूप में, हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. तो कितनी चीज़ें सीख सकते हो आपका. तो अपने और कहना भी उनको अपने यहाँ ट्राई करो, तो अपन कैसे कहेंगे इटली को, हैव देम ट्राइड. हैव देम ट्राइड, ये हो गया वर्ब की थर्ड फॉर्म. ऑब्जेक्ट जिसको करना है उनको, देम की जगह द मरीन्स लिख दो, हैव द मरीन्स ट्राइड. अब मेरे हाथ तेज चल रहे हैं तो गलती भी कर रहे हैं. हैव द मरीन्स ट्राइड, ठीक है, आपका इन योर कंट्री. और इसका अर्थ हो गया कि मरीन्स को अपनी कंट्री में आप ट्राई करें. तो ये हैव का प्रयोग हो गया, हैव द, हैव के बाद में ऑब्जेक्ट और बाद में आपकी थर्ड फॉर्म, एंड इट इज डोमेस्टिक लॉस. ये आपकी सारा कहानी खत्म हो गई, आपको समझ में आ गई. ठीक है, अब टेक अवे का अर्थ होता है कि उसमें से आपने क्या मिला भारत को, इस पूरी घटना में भारत को क्या मिला. तो भारत को मिला वो कुछ लेसन्स थे, पाठ थे, सबक थे. कि सबक किस क्षेत्र के थे, आप समझ गए. आपका टेक अवे क्या होता है, अगर समझो आपने, आप किस मैच जीते या हारे, हार भी गया मैच, टेक अवे जल्दी हार से ही निकलता है.
तो उसमें से आपका टेक अवे क्या है, वो कौन से पॉजिटिव चीजें हैं जो आपने सीखी? तो वो क्या कहते हैं कि हमको अपनी बैटिंग सुधारनी है, थोड़ी फील्डिंग सुधारनी है, ऐसे है ना, अगर क्रिकेट की बात करूँ तो। भारत के लिए इस घटना में क्या टेक अवे था? तो लेखक कह रहा है कि टेक अवे इज लीगल एंड डिप्लोमेटिक डोमेन्स, इस क्षेत्र में है, डोमेन्स और क्षेत्र, लीगल और डिप्लोमेटिक क्षेत्र में, दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द एक्सपीरियंस। तो ये लेसन जो हैं आपके लीगल और डिप्लोमेटिक क्षेत्र के हैं, जो भारत को अपने अनुभव से सीखने चाहिए कि क्या क्या हमसे गलतियाँ हुई, क्या क्या लीगल गलतियाँ हुई, क्या क्या हमसे डिप्लोमेटिक क्षेत्र में हमसे गलतियाँ हुई, तो उससे भारत सबक ले सकता है। यही भारत के लिए इस पूरी घटना में टेकअप है। तो आई होप कि बच्चों आपको समझ आएगा, नहीं नहीं होते हुए भी ये आपका वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, ठीक है। तो अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और जो मेरे चैनल पर नए हैं इसको सब्सक्राइब करें। मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ, प्रॉमिस तो नहीं कर रहा हूँ लेकिन कोशिश करूँगा कि 9 बजे तक आपको मैं ये अपलोड कर दूँ, ठीक है। अब 7:30 बजे तक पेपर आया तो मुझे भी टाइप करने में टाइम लगेगा, इसको सेट करना है ना, और फिर रिकॉर्ड करके अपलोड भी करना है। तो आई होप कि आपको पसंद आया होगा, इसको लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, और जो मेरे चैनल पर नए हैं उसको सब्सक्राइब करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, वेरी सून। ओके, थैंक यू।